तो इन 42,000 वर्कर्स को इसलिए बुलाया गया क्योंकि अब ये दरख्त गिरेंगे और खंभे गिरेंगे। तो वो बाहर वाले जो सोफे हैं वो हमने जो एक्स्ट्रा नहीं घर में पूरे आ रहे थे वो हमने पानी के अंदर स्विमिंग पूल में डाल दिए। पूरे सारे तोते जो है हमारे 15 तोते और 4 बिल्लियां जो है वो घर के अंदर इकट्ठे होके सिर्फ लड़ाइयां हो रही हैं। गुजरते मिनट के साथ तूफान जो है वो बढ़ता जा रहा है। यार वो विंड जो है वो मुझे वापस नहीं जाने दे रही भाई मेरे। तो दिस इज ऑल 2 AM अपडेट। मैं बाहर निकला हूँ इस वक्त जो है अभी तो हरिकेन पहुंचा नहीं है और हालत खराब हुई हुई है। काम चल रहा है। तो इन 42,000 वर्कर्स को इसलिए बुलाया गया क्योंकि अब ये दरख्त गिरेंगे और खंभे गिरेंगे तो उसके लिए ठीक करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको एक दिखाता हूँ, ये जो ये देखें। अच्छा जी ये देखें, ये इस वक्त जो ट्रक आ रहे हैं ये बिजली वालों के ट्रक हैं। ये वाले ये ना सारे ट्रीज और बिजली दो मिक्स हैं। तकरीबन 42,000 इन्होंने वर्कर जो हैं वो बुलाए हैं फ्लोरिडा स्टेट के अंदर। अब शाम के 4 बज चुके हैं जी। इस वक्त हरिकेन की जो आई है वो लैंड कर चुकी है अदर फोर्ट मायर्स पे, तो तकरीबन वो यहाँ से 150 मील दूर है जगह। और अब वैसे कर्फ्यू लग चुका है और हम जो है वो मतलब वापस अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन बस हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो कर्फ्यू जो है उसमें एग्जम्प्टेड होते हैं कि हम लोग निकल सकते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सिस स्टाफ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो लोग अलाउड है निकलना। बाकी लोग जो हैं उन्हें है कि कर्फ्यू में आप लोग घर रहें। तो मैं अब निकला हूँ, मैंने कहा हालात देख के आते हैं। और इस वक्त जो है वो अगर आप देखें तो ब्लड हो गया यहाँ काफ़ी, मतलब मिनिमल सी ट्रैफिक है लेकिन ये कि बाकी सब लोग इस वक्त अब घर पे। अब हर लम्हा बा लम्हा जो है वो तूफान बढ़ता जा रहा है, बारिश भी बढ़ रही है और हवा भी बढ़ रही है। तो बाकी हर चीज़ वैसे इस वक्त बंद हो चुकी है। ये देखें तो ये सारे बिजली के पोल हैं। बिजली के पोल जो है ना उनकी लाइट्स जो हैं वो ये नीचे कर दी गई हैं। पहले ऊपर थी, उनको लाइट्स को बाकायदा रस्सी लगी हुई है और तूफान में ये बनाए ऐसे गए हैं कि लाइटें नीचे कर दी हैं ताकि वो लाइटें टूटे ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, इतने पोलों को उनकी, मेरा ख्याल है कि शायद ऑटोमेटिक है, पीछे को बटन दबाते हैं और वो रस्सी मूव करके ये सारा जो है लाइटें नीचे आ जाती हैं। तो अब ये विजिबिलिटी भी ख़राब होती जा रही है। अच्छा भाई हिम्मत है इन लाइटों की कि इतनी विंड में भी ये खड़ी रहेंगी। लोहे की बेसिकली तार के ऊपर ये लटकाई गई हैं लाइटें, तो इस वजह से ये खड़ी रहेंगी, वरना तो जो बिजली विंड का हाल आज शाम 7 बजे के बाद होने वाला है तो उसमें तो किसी चीज़ पर खड़े होना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। ये काफ़ी मशहूर प्लाज़ा है, यहाँ पे दुकानें हैं, शॉपिंग प्लाजे हैं, लेकिन अब इस वक्त जारी बात है हर चीज़ बंद है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो हर चीज़ क्लोज्ड है। अब आपको शायद तूफान और हर लम्हा बा लम्हा तूफान बढ़ रहा है। तो अब मैं इस वक्त 4 बजे 7 बजे जो है उसका फुल यहाँ पे हरिकेन की जो विंड्स हैं ये देखें, अभी विंड्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये 7 बजे फुल फ्लैज होंगी। अगर मैं बाहर निकल सका तो मैं निकल के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो फुल हरिकेन का सिचुएशन होगी उसमें शाम 7 बजे शुरू हो जाएंगे हरिकेन की विंड्स। ये भी विंड्स हरिकेन की नहीं है, ये मतलब हरिकेन की जो बाहर का हिस्सा है हम 150 मील दूर उसकी विंड्स हैं। अभी जो ओरिजिनल अंदर वाला हिस्सा है, जो आई वाला हिस्सा है, वो तो अभी कल सुबह 7 बजे पहुँचेगा, लेकिन आज शाम 7 बजे से हरिकेन विंड्स पहुँच जाएंगी और आई जो है वो कल सुबह पहुँचेगी। तो कल सारा दिन आई रहेगी हमारे सर पर और जो है परसों जुमे के सुबह तक वो चलेगा, जो अब तक फोरकास्ट आ रही है। तो बस अभी तो 2 घंटे के बाद मैं कोशिश करूँगा, 2 से 3 घंटे के बाद शाम होने से पहले एक दफ़ा दोबारा निकल के हालात बाहर के देखूँ।
और अब ये सड़क के ऊपर सारी पत्ते और वो लकड़ियाँ गिर रही हैं। और अब अच्छा, अब ड्राइविंग का भी मसला वाकई होगा, इसमें टायर पंचर होने का बड़ा खतरा है। वो आगे भी गिरे हैं, वो देखें, वो अभी पूरी पूरी शाखें गिर गई हैं, वो देखें जी, आगे तो सड़क ही पूरी वो शाखें गिरी पड़ी हैं। चलो जी, पिछले तकरीबन 3 घंटे से हमने हर चीज़ बाहर से उठाई है। जो चीज़ मैं इंटरेस्टिंग दिखाने लगा हूँ कि जब घर में भी जगह नहीं थी तो वो बाहर वाले जो सोफे हैं वो हमने जो एक्स्ट्रा नहीं घर में पूरे आ रहे थे वो हमने पानी के अंदर स्विमिंग पूल में डाल दिए, उसकी क्लीनिंग के वो भी जो पोल्स हैं, क्योंकि वो सबसे सेफ है यहाँ पे, कि आप जितना मर्जी भी विंड होगी कम अज़ कम ये मूव तो नहीं करेंगे ना, खतरा तो सिर्फ मूवमेंट का है विंड में। इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं भी नई काम किया जिंदगी में, लेकिन ये कि और मजबूरी में फिर करना पड़ा। तो अब ये कि हरिकेन हमने ये तोते वगैरह तो सब अब निकाल के अंदर ले गए। ये जी मेंट साहब जो हैं अब ये भी अंदर आ गए, पूरे सारे तोते जो हैं हमारे 15 तोते और 4 बिल्लियां जो हैं वो घर के अंदर इकट्ठे होके सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब बाहर निकल आए हैं पिंजरे से, और इसका कोई काम नहीं है सिवाय मेरे सर पे बैठने के और मेरे 4 बाल जो रहते हैं वो खाने से और मेरे कंधे पे चढ़ के बैठने से, और इसको कोई काम नहीं है। पिंजरे में ये जा नहीं रहा, पिछले 1 घंटे से हम ट्राई करेंगे पिंजरे में चला जाए साहब, लेकिन मिंट साहब जो हैं घर के अंदर आके अब वो इतना फन कर रहे हैं कि जी मैंने तो बिल्कुल जाना नहीं है पिंजरे के अंदर मिट्टी। तो बाकी जो है वो बैनी साहब जो है हमारा जो बड़ा तोता है वो भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। घर में सब पूरा घर में स्टोर बना पड़ा है, सब कुछ बाहर से अंदर लाना पड़ा है अपनी चिड़ियाँ और तोते। ये बैनी साहब हैं, ये शरीफ आदमी है, इट्स अ ब्यूटिफुल बर्ड है, इसको एक्लिक्टस है ये, तो ये एक्लिक्टस साहब है। ये बाकी सबको फिर हमने उसमें एवरी से अंदर लेके आए हैं, लेकिन ये मिंट साहब जो हैं ये अंदर जाने से इनकारी हैं, बिल्कुल कह रहा है कि मैंने कंधे से नहीं उतरता मेरे। तो ये देखें ये बैठे हैं साहब, और मजाल है कि ये मतलब, अब मैंने कहा भाई अब हरिकेन है अब अंदर लाना है तो लाना है, बस ये देखें ये बैठे हैं साहब, बस मेरे सर पे चढ़ के बैठे हैं मिंट साहब। मिंटी मिंटी गो होम, नहीं ले उड़ के परे चला गया है, अंदर नहीं आएगा। ये रात 8:30 बजे की अब अपडेट है जी, अब फुल फ्लैट जो है वो हमारे पास स्टॉर्म पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, आई अभी नहीं आई, आई तो मेरा ख्याल 7:00 बजे आनी, लेकिन ये वो उसका जो फ्रंट हिस्सा है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। अभी भी विंड पूरी नहीं है, इतनी विंड पहुंचनी है, उतनी विंड अभी पहुंची नहीं है, देख रहे हैं अभी आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है, हर गुजरते मिनट के साथ तूफान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको शायद प्रॉपरली नहीं नजर आ रहा होगा, सबसे इसमें खतरनाक बात जो है वो दरख्तों का गिरना है और छतों की टाइलों का उड़ना है, ठीक नहीं है। अभी तक तो बिजली है हमारी, टीवी चला गया, डिश की जो सर्विस है वो खत्म हो चुकी है, तो टीवी मेरा हमारे पास नहीं है इस वक्त, नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे, बस वो फोन अभी इंटरनेट है और बिजली है, वो भी अब पता नहीं कितनी देर रहती है, जैसे जैसे विंड बढ़ेगी वो भी गायब हो जाएगी। हाँ जी ये सिचुएशन देखें, काफ़ी बर्स हो चुकी है इस वक्त और शदीद विंड है, अब तक कोई चीज़ गिर भी चुकी है, मैं बस ये देखने आया हूँ सिचुएशन क्या गिरा है। हाँ ये कुछ गिरा है, पाइप है ये पानी का, ये पता नहीं किसका पानी का पाइप है जो यहाँ पे उड़ के आ पड़ा है, वहां से कहीं से उतरा है। उए, 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 सारी छतरी उलट गई, मैं हालत देखें जरा, ओ माय गॉड, मैं नहीं उड़ूंगा, लेकिन ये तारी के अंदर पहुंच गया भैया, अगर आपको यहां से ये नजर आ रहा हो, अब आपको इसकी गस जो है वो नजर आएंगी, मतलब सस्टेन्ड विंड है, फिर उसके बाद एकदम ना एक वो स्पीड का झोंका आता है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं उठा के परे फेंक दूँ, ये नुकसान ना दे किसी को ना।
निकलूं हालत देखने के लिए। लाइट में आप इसकी हालत नजर आ रही होगी, ये दरख्त तो लगता गया काम से। दरख्तों से मैं नीचे निकला हूँ, परे निकला हूँ तो बेहतर है, क्योंकि जो है अगर कोई लड़ी टूटी तो मेरे सर पे आ लगेगी। तो पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, ये अगर आप देखें लाइट में तो। ये सड़क का मंजर है जी, अगर आपको कुछ नजर आ रहा हो, ये हवा देखिए, हवा देखिए। अभी भी ये इस वक्त जो मुझे पता चल रहा है ये सिर्फ 35 से 40 मील की हवा है, और उसका जो विंड गस्ट है यानी वो जो एक जिसको झोंका कहेंगे वो तकरीबन 60 मील पे आ रहा है, लेकिन अभी भी ये 100 मील या 105 मील वाली विंड नहीं है, और वो शायद पता नहीं ऑरलैंडो में इतनी ना ही आए अल्लाह करे, क्योंकि यहाँ 70 मील की रफ्तार भी जो थी वो घरों के लिए नुकसानदेह थी बहुत। कोई नहीं है बाहर, ये सिर्फ मैं आपको फन दिखाने के लिए बाहर आया हूँ। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मैं दरख्तों के नीचे ना खड़ा हूँ, क्योंकि कोई भी दरख्त गिर सकता है या कोई टहनी गिर सकती है। ये ओक ट्रीज हैं, इसलिए ऐसे बड़े बुरे हैं ये ना ज्यादा ये देखिए मुझे धक्का लगाया इसने। तो ओक ट्रीज जो है ना बड़ी जल्दी गिर जाता है। जो पाम ट्री है, पाम ट्री झुक जाता है इसलिए वो टूटता नहीं है, लेकिन पता नहीं इन्होंने इतने सारे जब इतने तूफान आने होते हैं हर साल तो इतने ओक ट्रीज क्यों लगा दिए हैं यहाँ पे। लगते तो अच्छे हैं, छांव भी बहुत है, लेकिन वो खतरा ये है कि मसला ये कि ये पावरफुल नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं वो गहरी नहीं है, तो ये गिर जाते हैं, इनकी शाखें बहुत गिरती हैं, उसी की वजह से बिजली भी जाती है ना। तो मेरे ख्याल अब अंदर जाना चाहिए, सेफ नहीं है बाहर खड़े फिरना, कोई भी चीज उड़ के आके लग सकती है। लेकिन अभी जो ओरिजिनल आई है वो रात को तकरीबन आज से 3 घंटे बाद आएगी यहाँ पे, वो भी अगर आई पूरी नहीं आई तो उसका बाहर वाला हिस्सा आ रहा है, तो अब उस वक्त देखेंगे। अगर मैं सो गया तो सो गया, अगर मैं उठा रहा तो मैं कोशिश करूंगा मैं अगर कुछ बना सकूं, लेकिन वो होती खतरनाक है उसके अंदर खड़े होना। चलें जी, ये तो समझ आ गई कि 3 काम नहीं हो सकते दो हाथों से। अच्छा टॉर्च मैंने रख दी है, ये छतरी यार वो विंड जो है वो मुझे वापस नहीं जाने दे रही भाई मेरे। ऊपर से ये छतरी रिवर्स हो रही है, तो देखा अब उसको ना ऐसे करता हूँ। हाँ ये मैंने छतरी को जो है अपने आगे किया हुआ है, इससे विंड ब्लॉक हो रही है। मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, देखे मैंने छतरी को ये मुझे आगे वेंट जो है ना थोड़ा सा ही चलने नहीं दे रही है, हवा इतनी ज्यादा बीच में वो आता है गस जिसको कहते हैं वो होता 50-60 मील का, वो फिर आप इतना पावर बुलाए कि वो मेरे जैसे बंदे को भी पीछे रिवर्स कर देता है। वो ये कह रहा था कि वो मेरे जैसे बंदे को भी रिवर्स कर देता है वो गस जो है। अब वो रुका एक सेकंड के लिए, तो बेहतर है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है सड़क के ऊपर की इसमें खतरनाक है चलना, सांप बहुत होते हैं, इट्स नॉट सेफ। तो इससे पहले कि अगला गास्ट जो है मुझे पीछे धक्का लगाए, लेकिन आप ये सिस्टम इनका देख लें कि ये पानी सारा ड्रेन में जा रहा है। 12 से 18 इंच की इतनी बारिश होनी है, लेकिन सब ड्रेन सिस्टम जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ ये गटर नहीं है, ये सिर्फ पानी का ड्रेन है। इससे पहले कि अगला गास्ट आए मैं अंदर जाऊं, गीला तो मैं हो चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम, ये अब रात 11 बजे की अपडेट है। तो हरिकेन के मिडल में हैं इस वक्त हम, और कैटेगरी 4 पे एक्चुअली ये लैंड किया 150 माइल्स पे, मील पे 150 मील पे, फिर उसके बाद कैटेगरी 3 हुआ है, और अब ये ऑरलैंडो से इसकी जो आई है वो थोड़े से फासले पे है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तकरीबन यहाँ से कुछ 30-40 मील दूर होगी। हेलो जी, हम ये रात को निकले हैं कुछ चेक करने के लिए, लेकिन आगे सारी ट्रीज वगैरह गिरे पड़े हैं और हमारा रास्ता जो है बंद है, दूसरी साइड चेक करते हैं। सो दिस इज़ ऑल 2 AM अपडेट। मैं बाहर निकला हूँ इस वक्त, जो है नींद आ रही थी लेकिन शोर इतना ज़्यादा कि आप सो नहीं सक रहे,
उन्होंने कहा जाके फिर चेक करके आते हैं हालात हैं क्या। तो तूफान चल रहा है जी, और लेकिन ये कि फ्लडिंग नहीं हुई है। और अब हम जो है वो एक रास्ता बंद था हमारा, आगे वो ट्रीज गिरे हुए थे, अब वहां से वापस होके बैक साइड से निकले हैं। तो ये हालात देख रहे हैं, दरख्त लगा है गाड़ी के अंदर, लेकिन ये कि हम इसको ये टहनी है ज्यादा है, दरख्त पूरा नहीं है। तो इसको इधर से ऊंचा नीचे कर करके इधर से कहीं से निकल सकते हैं। किसी हॉरर फिल्म का जो है वो मंजर लग रहा है। नहीं, नहीं, लेफ्ट भी जाएंगे, ग्रीन हो गई है भाई लाइट। अगर हमें पुलिस ने देख लिया ना इस वक्त, हम नहीं अलाउड बाहर, नहीं कर्फ्यू है, है? जी कर्फ्यू है इस वक्त, हमें अलाउड नहीं है बाहर, टिकट लग जाएगी, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो ये देखो ना जी, हालात देख रहे हैं जो है सो है। आप देखेंगे हालत जो है, हमने कहा आपको दिए दिखाई दें कि सूरत हाल है क्या। तो लेकिन फिर भी बहुत बचत होगी ऑरलैंडो की। इस वक्त 70 माइल जो है वो साउथ में है, तूफान हमारे ऊपर आई नहीं आई, तो हम आई ना आने की वजह से बचत हो गई है। लेकिन जहाँ पे ये फुल फ्लैज आई है, वहाँ पे लोगों के घर जल गए हैं बिजली गिरने से और ट्रांसफार्मर में आग लगने से, और उसके अलावा जो है छतें पूरी पूरी उड़ गई हैं लोगों की। वो एक दरख्त गिर गया, ये देखो ये गिरा पड़ा है, एक दरख्त गिरा पड़ा है। वन ट्री में डाउन। और आप लोग वापस जा रहे हैं इससे पहले कि कोई पुलिस वाला, कर्फ्यू लगा हुआ है और कोई पुलिस वाला हमें पकड़ के जो है ना वो बंद कर दे, बेहतर है कि हम वापस चले जाएं। और सेफ भी नहीं है जो है ना, रात के टाइम को दरख्त गिर सकता है ऊपर, खंभा भी गिर सकता है, और बस वापस चलते हैं। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।